फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज हमने आपके लिए फ्रेंड टेस्ट नंबर 11 सिलेक्ट किया है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, इस पे सारे वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो किसी न किसी नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स, और ये आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग परीक्षाओं, CHO, NM, JNM, BSc नर्सिंग, ESIC एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम, BSc नर्सिंग, NHM, ऑल स्टेट एग्जाम्स, फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, BSc नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग, फ्रेंड्स यूपी NHM, MP NHM, हरियाणा NHM, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपने हमारा टेस्ट नंबर 10 या इससे पहले 1 to 10 नहीं देखा है, तो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं किसी भी नर्सिंग परीक्षा की फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्न में से TB का उपचार किस थेरेपी के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन TB का उपचार। फ्रेंड्स, इस पे लिखा है फ्रेंड्स TB, ट्यूबरक्लोसिस, इसका मतलब क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस का उपचार किस थेरेपी के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर आता हो तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है आपका आंसर क्या है। फ्रेंड्स, हम इसका रिप्लाई करेंगे फ्रेंड, एनालिसिस करेंगे, और फ्रेंड्स इससे क्या होगा, आपके टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। फ्रेंड्स, तो आप जरूर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताया करें, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कंप्यूटर टेस्ट दे रहे हैं। फ्रेंड्स, निम्न में से TB का उपचार किस थेरेपी के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा इसका, अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर होगा इसका, सॉरी आंसर इसका फ्रेंड्स सी, डॉट थेरेपी। निम्न में से TB का जो उपचार किया जाता है फ्रेंड किस थेरेपी के द्वारा किया जाता है, डॉट थेरेपी के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कल हमारा क्वेश्चन था डॉट्स का पूरा नाम क्या होता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही दिया है फ्रेंड्स, मोस्टली लोगों ने सही दिया है फ्रेंड्स। देखिए, जिनका सही ना हो, डॉट्स का पूरा नाम फ्रेंड्स होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है डॉट्स का पूरा नाम क्या होता है। और क्वेश्चंस, TB उपचार किस थेरेपी से किया जाता है। फ्रेंड्स, ये ट्यूबरक्लोसिस की फ्रेंड्स ये मॉडर्न थेरेपी है। फ्रेंड्स, मॉडर्न पद्धति है फ्रेंड्स TB के उपचार के लिए। फ्रेंड्स, कौन सी, डॉट्स, और इसका पूरा नाम भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। फ्रेंड्स, ये NHM यूपी में एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, TB को हिंदी में टपेदिक कहते हैं, क्या कहते हैं, या क्षय रोग कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या क्षय रोग कोई दूसरा होता है, टपेदिक कोई दूसरा होता है, नहीं फ्रेंड्स, ये ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। क्या, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ध्यान रखिए। TB के फ्रेंड्स पूरे नाम क्या है, TB को TB, ट्यूबरक्लोसिस, टपेदिक, क्षय रोग, ये सारे नाम किसके हैं, ट्यूबरक्लोसिस या TB के। फ्रेंड्स, आप इनको भूले नहीं फ्रेंड्स, ये सभी किसके नाम है, TB या क्षय रोग के। फ्रेंड्स, इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो हम फ्रेंड्स डिटेल्स आपको बताया करें उस पर ध्यान दिया करें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इससे आपका रिविजन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस रोग की अंतिम अवस्था को लाकजा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2018 में यूपी NM एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, किस रोग की अंतिम अवस्था को लाकजा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, टेटनेस। किस रोग की अंतिम अवस्था को लाकजा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, किसको जानते हैं, टेटनेस को, आंसर इसका बी। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें फ्रेंड्स, इससे क्या होगा फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व अस्थमा दिवस किस महीने मनाया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्व अस्थमा दिवस किस महीने मनाया जाता है। फ्रेंड्स, किस महीने मनाया जाता है, ऑप्शन होगा इसका ए, मई महीने में। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मई महीने के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष फ्रेंड्स मई महीने के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, कभी 7 मई आता है, कभी 5 मई आता है, कोई भी मई की डेट हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन वो मंगलवार की फ्रेंड्स क्या होगी,
पहले महीने की डेट होगी, पहले महीने का जो मई महीने का पहला मंगलवार पड़ेगा फ्रेंड, उस तिथि को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व तो अस्थमा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेंड्स नर्सिंग के हमेशा रिपीट होते रहते हैं। डीपीटी वैक्सीन निम्न में से किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है फ्रेंड्स? डीपीटी जो वैक्सीन होती है फ्रेंड्स वो किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप बता सकते हैं क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी, उपरोक्त सभी, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनेस। जो फ्रेंड डीपीटी वैक्सीन होती है वो इन तीनों के विरुद्ध क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है फ्रेंड्स। डीपीटी वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है? काली खांसी को रोकने के लिए, डिप्थीरिया को और टिटनेस को। फ्रेंड्स आपको फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताना है डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है आपके नॉलेज और बढ़ता है, आप उसे सर्च करते हैं फ्रेंड्स, आप उसे लिखते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स जो भी हम बताया करें उसे लिखा करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से टाइफाइड फीवर है एक, क्या है फ्रेंड्स टाइफाइड फीवर? आप देख सकते हैं वायरल रोग है, प्रोटोजोआ रोग है, बैक्टीरिया रोग है, कवक रोग है, ऑप्शन क्या होगा? अगर आपको आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में बताएं, इसको हमने फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से कवर किया था, ऑप्शन क्या होगा इसका? आंसर है इसका सी, बैक्टीरियल रोग है फ्रेंड। टाइफाइड क्या है एक प्रकार का बैक्टीरियल रोग है, मैंने बताया था आपको, एक मिनट ट्रिक थी फ्रेंड्स, जीत पे है 3 बार निकाल दी मेकअप अवार्ड फ्रेंड, जितनी भी बैक्टीरिया की डिसीजेस थी हमने उसको फ्रेंड्स एक ही ट्रिक में कवर कर दिया, जितनी भी जीवाणु से रिलेटेड सारी बीमारियां हैं ट्रिक थी फ्रेंड्स, जितनी भी बीमारियां थी हमने उसको एक ही ट्रिक में कवर कर दिया। अगर आपने फ्रेंड्स मेरी ट्रिक नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया है, निम्न में से सार्स के लक्षण है फ्रेंड, SARS, सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स निम्न में से सार्स के लक्षण क्या है? तेज बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, ऑप्शन क्या होगा इसका? डी, उपयुक्त सभी। यही फ्रेंड्स लक्षण कोरोना के भी हैं, क्योंकि कोरोना भी क्या है एक तरह की सार्स से रिलेटेड बीमारी है फ्रेंड्स, वो सार्स का टाइप है एक, कोरोना भी क्या है फ्रेंड्स वो एक सार्स का टाइप है, और ये फ्रेंड्स कोरोना बीमारी के भी लक्षण हैं, और ये सार्स के, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कोरोना के लक्षण और सार्स के फ्रेंड्स ये सेम है, क्योंकि वो क्या है सार्स का एक टाइप है फ्रेंड्स, और सार्स में फ्रेंड्स पूरे फुल फॉर्म में SARS में पूछ लिया जाता है, सार्स में ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कई बार एग्जाम में पूछा गया है सार्स जो लिखा जाता है इसके फुल फॉर्म में ए का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स उसका? ए का मतलब एक्यूट होता है, क्या? एक्यूट मतलब होता है उसका, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फ्रेंड्स। एक एक फ्रेंड्स टर्म्स को ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, आपकी एग्जाम्स में 100% इसी से फ्रेंड्स क्वेश्चन आएंगे, जितने भी हमारे वीडियो फ्रेंड्स अगर आप देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम से फ्रेंड फेल नहीं होंगे, 100% आप पास होंगे फ्रेंड्स। निम्न में से इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या होगा आंसर इसका? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप बताएं मुझे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप जरूर फ्रेंड्स से मार्क बताएं, क्या होगा इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन होगा इसका बी फ्रेंड्स, क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है? जेडन होता है फ्रेंड्स, कभी कभी फ्रेंड्स जिंक नहीं लिखा जाता है जेडन लिख दिया जाता है, और कभी कभी ये दोनों ना लिख के जस्ता लिख दिया जाता है, क्या? जस्ता। निम्न में से इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जस्ता भी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो जस्ता कहते हैं उसे, उसे हिंदी में जस्ता ही कहते हैं, लेकिन इस पे ऑप्शन क्या दिया गया? जिंक, इसका सिंबल क्या होता है? जेडन होता है फ्रेंड, ध्यान रखें सभी, आपको जस्ता भी मिल सकता है, आप ये ना सोचे कि इसमें तो जिंक ऑप्शन है ही नहीं, तो हम मार्क क्या करें, तो आपको क्या करना होगा उस पे? जब जस्ता दिया होगा तो आप क्या करेंगे? जस्ता पे मार्क करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एमडीटी किस बीमारी में दी जाती है फ्रेंड्स? आपको आंसर अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एमडीटी किस बीमारी में दी जाती है? ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन इसका ए, कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं, क्या? लेप्रोसी। एमडीटी किस बीमारी में दी जाती है फ्रेंड्स? लेप्रोसी में दी जाती है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको एमडीटी का पूरा नाम आता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें फ्रेंड्स, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इसलिए आप क्या करें प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, इसी बहाने आपको पढ़ने का मौका मिलता है फ्रेंड्स। निम्न में से एमडीटी में कौन सी दवा
उपयोग में लाई जाती है फ्रेंड्स? एमडीटी में कौन सी दवा उपयोग में लाई जाती है फ्रेंड्स? देख सकते हैं ऑप्शन, अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या होगा फ्रेंड्स, इसे पूछ रहा है लेप्रोसी जो हो जाती है फ्रेंड्स उस पर एमडीटी यूज की जाती है। एमडीटी के अंतर्गत कौन कौन सी दवाएं आती है फ्रेंड्स? डेप्सूल भी आती है, रिफैमिसिन भी आती है, क्लोरोफेजमिन आती है, ऑल ऑफ दी फ्रेंड्स। क्या होगा आपसे इसका ऑप्शन होगा डी फ्रेंड्स, डेप्सूल, रिफैमिसिन और ये लिखा है क्लोरोफेजमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, ऑप्शन इसका डी होगा फ्रेंड्स। आप इसे देख लें फ्रेंड, थोड़ा इसके टफ नाम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 10, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। मीजलिस के चकते सबसे पहले शरीर पर कहाँ दिखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मीजलिस के चकते सबसे पहले शरीर पर कहाँ दिखते हैं? कहाँ दिखते हैं फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका सी, चेहरे पर दिखते हैं। कहाँ? चेहरे पर दिखते हैं फ्रेंड, फेस पे दिखते हैं सबसे पहले। जो मीजलिस के फ्रेंड्स जो चकते हो जाते हैं बॉडी में, वो सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? चेहरे पर दिखते हैं। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है सी। सभी क्वेश्चन फ्रेंड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम फ्रेंड थायमिन है? ये आर्मी नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम थायमिन है? अगर आपको अपना आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी, ऑप्शन है इसका डी। लेकिन विटामिन कौन सी होगी? विटामिन B1 का नाम वैज्ञानिक नाम क्या है या केमिकल नेम क्या है? थायमिन है फ्रेंड्स। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। क्या होगा? थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये PCS एग्जाम्स में भी पूछा गया है फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कमीशन में फ्रेंड्स। अगर कोई भी बंदा उसकी तैयारी कर रहा हो तो फ्रेंड्स उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नर्सिंग के लिए तो बेहद जरूरी है फ्रेंड्स। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है फ्रेंड? कितनी आवश्यकता होती है? अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स का? ऑप्शन इसका ए। क्या होगा? एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका ए, 55 से 60 ग्राम के आसपास फ्रेंड उसको डेली एवरेज में फ्रेंड प्रोटीन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। बाकी सभी ऑप्शन फ्रेंड्स गलत हैं और कभी कभी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा केवल ओनली 60 ग्राम। क्या मिल जाता है? 60 ग्राम। अगर ऑप्शन में केवल 60 ग्राम ही दिया है तो वो भी सही माना जाएगा, बशर्ते आपको एक ही ऑप्शन होगा इस तरह का, तो क्या आप 60 पे मार्क करेंगे। लेकिन अगर लगभग में पूछेगा तो 55 से 60 ग्राम के आसपास आप बताएंगे इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी बीमारी परजीवी के द्वारा होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी परजीवी के द्वारा होती है? ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड इसका? कमेंट कर सकते हैं आप इसे। ऑप्शन इसका सी, मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है फ्रेंड्स ये परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा होती है फ्रेंड्स। इसकी भी हमने ट्रिक बनाई है, अगर आपने नहीं देखी फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, एक सामान्य डिलीवरी होने के बाद कितने समय में स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए फ्रेंड्स? जो एक सामान्य डिलीवरी होती है फ्रेंड उसमें फ्रेंड उसके कितने देर बाद फ्रेंड्स स्तनपान कराना चाहिए बेबी को फ्रेंड्स? ऑप्शन दिए गए, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका ए, आधे घंटे के बाद फ्रेंड्स। ये नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन से, एक सामान्य डिलीवरी के बाद कितने समय में स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए फ्रेंड्स? कब से कब दूध पिलाना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा? आधे घंटे के बाद फ्रेंड स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है 15, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या है इसका? अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन इसका फ्रेंड डी, 2005 में, 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे फ्रेंड्स लिखते जाएं और इनका डेली रिवीजन करें फ्रेंड्स। और डेली फ्रेंड्स अगर आपको टाइम मिले फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आप डेली मात्र 30 मिनट दें फ्रेंड्स सारा दिन में फ्रेंड्स, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जितने फ्रेंड हम वीडियो अपलोड करते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें। निम्न में से नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स? निम्न में से नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड? अगर आपको आंसर आता हो तो बता सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में नियासिन की कमी से। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा इसका बी, प्लग्रा। प्लग्रा जो
फ्रेंड्स बीमारी होती है वो नियासिन की कमी से हो जाती है फ्रेंड्स। और ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स? ये विटामिन बी3 का। किसका? विटामिन बी3 का फ्रेंड्स। विटामिन बी3 का फ्रेंड्स क्या है? रासायनिक नाम है। आपको बताना है फ्रेंड्स किस विटामिन की कमी से एनीमिया डिसीज हो जाती है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है, एनीमिया डिसीज हो जाती है फ्रेंड्स। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आपको आपकी जो रिकॉलिंग क्षमता है वो बढ़ेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, निम्न में से भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स? निम्न में से भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर है इसका ए, क्वेश्चरकर। क्वेश्चरकर जो बीमारी होती है फ्रेंड्स वो प्रोटीन की कमी से हो जाती है फ्रेंड्स। क्वेश्चरकर बीमारी फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी से हो जाती है। और इस पे बी नंबर पे जो दिया गया मरेस्मस, ये फ्रेंड्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है, या इस तरह कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मरेस्मस होगी फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखें, ये हायर एग्जाम्स यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, और भी अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन की प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स। तो ये NHM एग्जाम में भी आ चुका है, क्वेश्चरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर पे दिया गया है, निम्न में से स्कॉर्बिक एसिड है, आपको ऑप्शन भी बताना है फ्रेंड। स्कॉर्बिक एसिड क्या है इसमें, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन होगा इसका सी, स्कॉर्बिक एसिड फ्रेंड क्या है, एक प्रकार का विटामिन है। और विटामिन कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्कॉर्बिक एसिड कौन सा, स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं फ्रेंड्स, ये उसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 19 नंबर, निम्न में से हाइड्रोफोबिया का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? हाइड्रोफोबिया का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? अगर आपको इस टर्म का नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन देखिए क्या होगा, हाइड्रो मीन्स होता है फ्रेंड्स जल, हाइड्रो मीन्स क्या होता है पानी होता है फ्रेंड, और फोबिया मीन्स क्या होता है डर, फोबिया मीन्स क्या होता है डर होता है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर। तो उस व्यक्ति को क्या होगा, हाइड्रोफोबिया का अर्थ क्या है, पानी से डर लगना। जो फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का रेबीज वायरस होता है, और ये कुत्ते के काटने से या बिल्ली के काटने से या भेड़िया के काटने से फ्रेंड्स बॉडी में इंजेक्ट करता है, और इससे इससे प्रभावित लोगों को क्या होता है पानी से बेवजह डर लगती है, पानी से बहुत अधिक उनको क्या होता है डर लगता है फ्रेंड्स। ये हाइड्रोफोबिया का अर्थ है फ्रेंड्स, पानी से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन से शायद आपको आता होगा, निम्न में से वन टेबल स्पून किसके बराबर होता है? एक होता है टी स्पून, एक होता है टेबल स्पून फ्रेंड। वन टेबल स्पून किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, कितने ml के बराबर? आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड? ऑप्शन इसका सी, 15 ml, 15 ml वन टेबल स्पून किसके बराबर होता है, लगभग 15 ml के बराबर होता है फ्रेंड्स। लेकिन 14.879 के लगभग में होता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा इसका, 15 ml के बराबर एक टेबल स्पून होता है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सभी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से एस्पिरिन का यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स? जो एस्पिरिन दवा होती है, मेडिसिन होती है फ्रेंड, उसका यूज किस किस में किया जा सकता है फ्रेंड? आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा इसका, अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। दर्द को दूर किया जाता है, फीवर को कम किया जाता है फ्रेंड, बीपी कम करने में। ऑप्शन क्या होगा डी, ऑप्शन है इसका डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, एस्पिरिन का यूज किया जाता है फीवर में, पेन में, बीपी को कम करने में। ऑप्शन क्या है इसका, डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सी दवा एड्स के मरीजों को दी जाती है फ्रेंड्स? निम्न में से कौन सी दवा एड्स के मरीजों को दी जाती है फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर आता हो तो बता सकते हैं इसे, आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन है इसका ए फ्रेंड्स, काफी फेमस दवा है जिडोविडीन, क्या है जिडोविडीन फ्रेंड्स, आप इसे इंग्लिश में कंफर्म करें, इसकी स्पेलिंग याद कर लें फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी दवा एड्स के मरीजों को दी जाती है, जिडोविडीन फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बेड मेकिंग का उद्देश्य कौन सा है फ्रेंड्स? बेड मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होगा? मरीज को आराम दें, क्या है मरीज को आराम प्रदान करना, ऑप्शन ए सही भी है, वार्ड में स्वच्छता बनाए रखना फ्रेंड्स ये भी सही है, मरीज के बेड सोर्स से रोकना, ऑप्शन क्या है डी, उपयुक्त सभी फ्रेंड्स। बेड सोर्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? इसमें क्या होता है फ्रेंड, पैरालिसिस होने की ज्यादा संभावना होती है। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड्स एक ही बेड पे काफी टाइम तक पड़ा रहता है तो उसके क्या होते हैं पीठ पे घाव होने की संभावना होती है, उसी कहते हैं बेड सोर्स। तो मरीज के बेड को बेड सोर्स रोकना फ्रेंड, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका डी।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है। निम्न में से ब्लैंकेट बेड का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, ब्लैंकेट बेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स का? ऑप्शन इसका ए, मरीजों को गर्मी प्रदान करना। निम्न में से ब्लैंकेट बेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरीजों को गर्मी प्रदान करना। ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए सिलेक्ट किया गया फ्रेंड्स 25 नंबर पे दिया गया है। जो ब्लड होता है रक्त का पीएच मान फ्रेंड्स, सही पीएच मान कितना होता है रक्त का? जो रक्त का सही पीएच मान होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या होगा इसका? कमेंट कर सकते हैं आप। आंसर होगा इसका ये क्या, 7.35 से 7.45। इसका मतलब फ्रेंड 2 पढ़ा जाता है या 8 पढ़ा जाता है, जो हाइफेन लगता है ना इसमें, इसका मतलब होता है इतने इतने के बीच में। इसका मतलब क्या होगा, 7.35 से 7.45 के बीच में ये रक्त का या ब्लड का पीएच मान होता है, रक्त का या ब्लड का पीएच मान होता है फ्रेंड। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड, वरना हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंपल जरूर है लेकिन पूछा गया एग्जाम्स में। एक व्यस्त मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? एक व्यस्त जो फ्रेंड्स एडल्ट पर्सन होता है उस पर श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए, आप बता सकते हैं आंसर। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स बी, सांस लेने की दर। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेने की दर। फ्रेंड्स हिंदी में भी थोड़ी अच्छी पकड़ रखी है, इसका मतलब समझे, श्वसन मीन्स क्या होता है? सांस लेने की दर फ्रेंड्स, वो कितनी होगी? 16 बार, लगभग 16 बार एक व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है, या श्वसन दर कितनी होती है? 16 पर मिनट। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी है फ्रेंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी के चलते हमने दूसरा क्वेश्चन भी सिलेक्ट किया है जो थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है फ्रेंड्स, इसलिए हमें इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य में सामान्य हृदय की धड़कन कितनी होती है फ्रेंड्स? एक वयस्क मनुष्य में सामान्य हृदय की धड़कन कितनी होती है? आपको तो आंसर आता होगा, उम्मीद है फ्रेंड्स आप इसका सही जवाब देंगे। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका ए, 72 प्रति मिनट। एक जो फ्रेंड वयस्क मनुष्य होता है फ्रेंड्स, एडल्ट पर्सन होता है, उसकी जो फ्रेंड्स हार्ट बीटिंग की रेट होती है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। कई बुक्स में दिया गया है फ्रेंड्स 72 से 80 बार, कई कई बुक्स में दिया गया है 72 से 80 बार। अगर आपको इस तरह ऑप्शन मिले तो आप इसे मार्किंग करें तो फिर, लेकिन उस पर ये हाइफन यूज किया जाएगा, 72 से 80 बार। लेकिन आपको अगर 72 ऑप्शन मिल जाए 72, तो आप इसी पे आंख मीच के फ्रेंड्स इसको मार्क करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 72 एग्जैक्ट राइट आंसर है फ्रेंड्स का। नॉर्मली जो एवरेज देखा जाता है फ्रेंड्स वो 72 है फ्रेंड्स, क्या है? 72। लेकिन अगर 72 से 75 आपको आंसर मिले या 72 से 80 आंसर मिले, अगर 72 से आपको 75 आंसर मिलता है तो नियरेस्ट आप 72 के आसपास वाला आंसर उस पर मार्क करेंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 28 नंबर पे। निम्न में से ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? निम्न में से ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देख सकते हैं आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स पी, ऑन्कोलॉजी फ्रेंड कैंसर का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ दी कैंसर, किसमें? ऑन्कोलॉजी में फ्रेंड्स। इसका फ्रेंड्स एक हिंदी में नाम बहुत अटपटा सा नाम है फ्रेंड्स, ऑन्कोलॉजी का आबुर्द विज्ञान कहते हैं इसे, आबुर्द विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं? आबुर्द विज्ञान ऑन्कोलॉजी को, उसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। आप इंग्लिश पे इसे कंफर्म करें क्योंकि पेपर क्या होता है, बायलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और अंग्रेजी में, इसलिए आप इसे इंग्लिश में रेफर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। 3D लक्षण किस बीमारी से संबंधित फ्रेंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3D लक्षण किस बीमारी से संबंधित? ये फ्रेंड्स काफी हायर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, और आने की संभावना भी रहती है फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस की। 3D जो लक्षण होते हैं वो फ्रेंड किस बीमारी से संबंधित है, किस बीमारी से संबंधित है? अगर आपको आंसर आता हो तो बता सकते हैं। ऑप्शन है इसका फ्रेंड ए, प्लेग्रा। 3D जो फ्रेंड्स लक्षण देते हैं वो प्लेग्रा बीमारी में दिखते हैं, किस में दिखते हैं? प्लेग्रा डिसीज में दिखते हैं फ्रेंड्स, 3D के जो लक्षण दिखते हैं। और जो फ्रेंड्स प्लेग्रा डिसीज हो जाती है ये किस विटामिन की कमी से होती है फ्रेंड्स? नियासिन। ये किसका केमिकल नेम है? विटामिन B3 के फ्रेंड्स। आप रिवीजन भी करते जाएं फ्रेंड्स साथ साथ में, इसलिए हम डिटेलिंग भी उसकी बताते हैं फ्रेंड्स। जो फ्रेंड 3D का मतलब होता है वो क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। 3D का मीन्स होता है डर्मेटाइटिस, डायमेंसिया, डायरिया, ये मतलब इन्हीं को फ्रेंड्स 1, 2, 3, तो इसको क्या होगा 3, और डी कितनी है 1, 2, 3, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे 3D कहते हैं। समझ में आया आपको 3D का मतलब क्या होता है? 1D से होने वाले फ्रेंड्स कितने रोग हैं? डर्मेटाइटिस एंड डायमेंसिया एंड डायरिया फ्रेंड।
कितने हैं, वन टू थ्री, टू थ्री आ गया यहाँ पर, डी कितने हैं, वन टू थ्री, तो क्या होगा थ्री डी। आप आंसर क्या है, थ्री डी। और ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, प्लेग्रा से रिलेटेड है, किस डिसीज से, प्लेग्रा डिसीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है 30 फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है 30, विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या है, क्या होगा आंसर इसका, कमेंट बॉक्स में करें। आंसर होगा इसका पी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में फ्रेंड्स, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। आपको फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताना है साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। क्या है, बिना सहारे के चल सकता है, ऑप्शन बी है सीढ़ियों पर चल सकता है, ऑप्शन सी है सहारे के साथ खड़ा हो सकता है, ऑप्शन डी है दौड़ सकता है। फ्रेंड्स जो 9 महीने का एक बच्चा होगा वो क्या है, सहारे के साथ खड़ा हो सकता है, स्टैंडिंग विथ एनी सपोर्ट, किसी के सहारे, फिर किसी कोई भी चीज या किसी वस्तु के सहारे वो क्या है फ्रेंड्स, 9 महीने का बेबी खड़ा हो सकता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका सी, ऑप्शन है इसका सी। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से ग्लूकोमा है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, आपके लिए इंडिकेशन है, आपको बताना है किससे रिलेशन है इसका फ्रेंड्स, ए बी सी डी में किसका रिलेशन है ग्लूकोमा से फ्रेंड्स, किसका है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका ए, आई डिसऑर्डर। ये ग्लूकोमा जो फ्रेंड्स बीमारी है फ्रेंड आंखों में हो जाती है, किसमें, आंखों में हो जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन ए है फ्रेंड्स इसका, आई डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और किसी न किसी एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे ही रहते हैं फ्रेंड्स से, आप इन्हें फ्रेंड्स इग्नोर ना करें। लिखा है मेनिनजाइटिस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, मेनिनजाइटिस जो बीमारी होती है फ्रेंड्स वो किसको प्रभावित करती है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन क्या होगा इसका, अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स सी, ब्रेन को, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स, जो मेनिनजाइटिस जो बीमारी होती है फ्रेंड्स, रोग होता है, ये किसको प्रभावित करता है, ब्रेन को। एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रेन या मस्तिष्क को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और हम डिटेल्स में आपको एरर फ्री समझाते हैं फ्रेंड्स, कोशिश हमारी यही रहती है कि थोड़ी सी भी गलती ना हो पाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र फ्रेंड्स MC कितने वर्ष की उम्र में स्थायी रूप से बंद हो जाती है, MC जो होती है फ्रेंड्स वो महिलाओं में कितनी एज पर फ्रेंड्स बंद हो जाती है, मासिक चक्र से MC कितने वर्ष की उम्र में स्थायी रूप से बंद हो जाती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स का, आंसर का आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आंसर क्या है, एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका ए 40 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स जो मासिक चक्र होता है फ्रेंड्स MC जो होता है वो क्या है, स्थायी रूप से बंद हो जाती है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स ये जो पोजीशन, मतलब जिस टाइम ये फ्रेंड्स बंद होती है, ये जो पीरियड होता है उसको मीनोपॉज कहते हैं, क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं, क्या, मीनोपॉज के नाम से इस टर्म को जानते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया इसलिए सिलेक्ट किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा, रेलवे नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत कितने टीके लगाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं में शायद पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की काफी संभावना है, क्योंकि अभी चर्चा में चल रहा है फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत कितने टीके लगाए जा रहे हैं। पहले था फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष, अब क्या किया गया, दूसरे चक्र में किया गया, इसका नाम मिशन इंद्रधनुष 2.0, पहले नाम था इसका मिशन इंद्रधनुष, और इसके बाद क्या किया गया, मिशन इंद्रधनुष 2.0 फ्रेंड्स। तो इस पर लिखा है कि कितने टीके लगाए जा रहे हैं फ्रेंड, या कितने टीके लगाए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आने वाले टाइम में, तो कितने टीके लगाए जाते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी 7 टीके लगाए जाते हैं, 7 एमर्जाइजेशन दिया जा रहा है फ्रेंड्स, किसके, मिशन इंद्रधनुष के तहत, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत फ्रेंड्स 7 टीके लगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, इन्हीं में से फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन थे 36, निम्न में से मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन कौन से टीके लगाए जा रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो फ्रेंड्स टीके लगाए जा रहे हैं वो कौन कौन से टीके लगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑप्शन में, अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड जो मिशन इंद्रधनुष है उसके तहत फ्रेंड डिप्थीरिया भी लगाया जा रहा है, टेटनिस भी लगाया जा रहा है, पोलियो भी लगाया जा रहा है, ऑप्शन है इसका डी। फ्रेंड्स ये तीनों टीके मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत लगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से टीके फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाए जा रहे हैं, ऑप्शन है इसका क्या है डी, मिशन इंद्रधनुष के तहत फ्रेंड्स, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत फ्रेंड्स जो टीके लगाए जा रहे हैं, आप इसे रट लें, याद करके जाएं, आने की संभावना सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा आने की संभावना है, ये क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत प्रबल चांस है फ्रेंड्स इसके, मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड। डिप्थीरिया लगाया जाता है, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस, ये इतने टीके हैं जो फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत लगाए जा रहे हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस या खांसी भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, उसे इग्नोर ना करें, वो भी सही होगा ऑप्शन। डिप्थीरिया, खांसी या टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस, याद कर लिए आप इसे, कंफर्म करके जाएं एग्जाम्स में। और कितने टीके लगाए जा रहे हैं, 7 टीके लगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, और मैंने इसका ईयर भी बताया है कब इसे प्रारंभ किया, मैंने इसे फ्रेंड्स मास्टर वीडियो में कवर किया, अगर आपने मास्टर वीडियो नहीं देखा है देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको बताना है फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष की जो स्टार्टिंग डेट है, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एएनएम 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंपल हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मासिक चक्र एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो औसत अवधि होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। मासिक चक्र जो होता है फ्रेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी की औसतीय अवधि कितनी होती है फ्रेंड्स, आपको आंसर इसको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं फ्रेंड्स। ये उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे सभी, और आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स की फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि हम डेली अपलोड करते हैं टेस्ट सीरीज, जिससे आपकी फ्रेंड प्रैक्टिस होगी और आपको आने वाली परीक्षाओं में 100% सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ओके।